सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने गुरुवार को जीआरपी थाना रेलवे स्टेशन गोरखपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने थानों में शस्त्रों के साफ सफाई, आर्मनेशन अभिलेखों का रख रखाव एवं थाना कार्यालय की साफ सफाई की चेकिंग की तथा सभी अभिलेखों की प्रविष्टियां पूरा करने के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया। साथ साथ सीओ रचना मिश्रा ने कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन भी किया और सभी की समस्याओं के संबंध में जानकारी हासिल की और सभी को ड्यूटी संबंधी दिशा निर्देश दिए। सीओ रचना मिश्रा ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सुझाव, बचाव एवं जानकारियाँ दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने कहा, चलिए आज हमने जीआरपी थाना गोरखपुर का एक आकस्मिक निरीक्षण किया, तो उसमें पहले तो कोरोना से बचाव संबंधी जो तैयारियों का मूल्यांकन किया, उनकी सारी नफरी है सेहत विषय में भी जानकारी की, देन जो जनरल जो अभिलेख होते हैं थानों के, उनके रख रखाव, उनके शस्त्रों के रख रखाव और इनके जो डेली रूटीन की जो ड्यूटी चार्ट बनते हैं उसके विषय में बात की। और मेरा मेन फोकस था कि गुमशुदा मोबाइलों की रिकवरी और जो अज्ञात लाशें पिछले एक दो वर्षों में जो मिली हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनसे रिलेटेड अगर कोई क्राइम निकल के आता है उससे, और थानों का जो कॉजलेस चेक होती है पैरोकारों के पास होती है तो वो डेट वाइज और केस वाइज मेंटेन हो उससे, और 2019 से पीछे की यानी 17-18 की जो लंबित विवेचनाएं यदि कोई है तो उनसे क्या कर रहा है आयोग और उसकी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए कि उनको जल्दी से जल्दी निपटारण करें। छोटा छोटा इन्हीं बिंदुओं पे समीक्षा की। मैडम एक समीक्षा किया, क्या कुछ आपकी खामियां भी नजर आई? नहीं, आज तो एक औपचारिक समीक्षा सत्र था, तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट, तो मेरी क्या उनसे अपेक्षाएं रहेंगी और जीआरपी को कैसे हम रेलवे और सिविल पुलिस के बीच का एक ब्रिज एलिमेंट मानते हुए अच्छा काम करें। एक पुलिस का एक फेस जीआरपी भी है, तो यात्रियों की सुरक्षा और उनके सुविधा को कैसे हम अपने सेवाओं से बेहतर कर सकते हैं इसके विषय में इनको अपनी अपेक्षाएं मैंने बताई। अब जो अगला जो अभिलेक्षण कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे।